Now students, I am going to explain next rule of subject verb agreement. Rule number 4, many, both, several, a few, these, those, all, hardly any, a number, of are followed by plural verbs. इन सब के साथ हमको किसका यूज करना है? प्लूरल वर्ब का. ऑल द विनर्स मीन्स कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब. मैनी पीपल वर्ब कौन सी होगी? हैव. बोथ द डॉग्स इसके साथ भी कौन सी वर्ब आएगी? लिव. देयर आर ओनली अ फ्यू कार्स इसके अनुसार कौन सी वर्ब आई आपकी? प्लूरल वर्ब. नाउ पॉइंट 5, दीज वर्ड्स आर वन बट प्लूरल इन फाइव. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होता तो एक है लेकिन फॉर्म की कैसी होती है? प्लूरल फॉर्म होती है. दीज आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. तो ऐसे कंडीशन में हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए, जैसे कि माय स्पेक्टिकल्स, द ट्राउजर्स, वेयर आर द सीजर्स. ये क्या है आपके? थिंग तो बनी है लेकिन इनकी फॉर्म कैसी है? प्लूरल है, इसीलिए हमको किसका यूज करना चाहिए? प्लूरल वर्ब का, जैसे कि आर हैव. सब्जेक्ट्स सेपरेट वाई अलोंग विद. वो सब्जेक्ट जो किससे सेपरेट किए जाते हैं? अलोंग विद से, एज वेल एज से, बिसाइड्स से. हैव द वर्ब मैचिंग विद द फर्स्ट नाउन मीन्स वर्ब किसके साथ मैच करनी चाहिए? फर्स्ट नाउन के अनुसार. जैसे मिस मीरा अलोंग विद 20 स्टूडेंट्स, तो हमको वर्ब किसके अकॉर्डिंग फिल करनी है? मिस मीरा के अकॉर्डिंग. तो मिस मीरा के अकॉर्डिंग हैज हैव में से क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट, द सोल्जर्स एज वेल एज देयर कैप्टन वर गिवन. अब हमें किसके एज वेल एज वर्ड दिया हुआ है, तो हमें जो फर्स्ट नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करना है. तो द सोल्जर्स, यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर हैं, मीन्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमें वर्ब कौन सी फिल करनी है? प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पर वर्ब क्या दी हुई है? प्लूरल वर्ब. गिविन अ वार्म सेंड ऑफ द पीपल. थैंक यू स्टूडेंट्स.